हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम DHT11 सेंसर के बारे में जानेंगे। आपको जो यहाँ पे सेंसर दिख रहा है, ये है DHT11 सेंसर। इसको हम आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेस करेंगे और जो टेम्परेचर है उसको मेजर करेंगे। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो लगभग 2% से 5% के आसपास होती है। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर सपोज 32 डिग्री सेल्सियस है तो आपको 2% या फिर 5% ऊपर नीचे टेम्परेचर मिलेगा और आपकी स्क्रीन पे शो होगा। जो सेंसर है इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। उससे ऊपर अगर आपको मेजर करना हो तो आप DHT22 सेंसर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि -40 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें मेजर करके देता है। DHT11 सेंसर है, ये काफ़ी सस्ता और कम पावर का सेंसर है, जिसे हम अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट्स में आप 22 सेंसर का यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको कोट करके देखेंगे और टेम्परेचर को मेजर करेंगे। अभी हम इसका कोट देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ये जो है इसका पॉजिटिव है DHT11 सेंसर का। ये आउटपुट पिन है जहाँ से हम टेम्परेचर का आउटपुट डिजिटल पिन पे कनेक्ट करेंगे और ये जो है ये ग्राउंड पिन है जो हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट कलर की वायर है वो मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर ली है और जो पॉजिटिव पिन है ब्लू कलर की वायर वो मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर ली है आर्डिनो उनो के, और जो आउटपुट पिन है वो मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर के पिन पे अटैच कर ली है, कनेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी हम इसका कोड देखेंगे। तो DHT11 का कोड करने के लिए हमें यहाँ पे स्केच में जाना होगा। सबसे पहले तो हमें DHT11 की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी, तो यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरीज़ को क्लिक करके एक विंडो यहाँ पे ओपन होगी। इस विंडो में आपको यहाँ पे DHT11 सर्च करना होगा। यहाँ पे DHT11 हम सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे DHT11 सेंसर लाइब्रेरी आ गई है। ये देख सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा है। आप पहली बार इसे यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो इसे। अभी हम फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे दिख रही होगी DHT11 सेंसर की लाइब्रेरी। तो DHT सेंसर टेस्टर में जाएंगे और ये जो कोड है ये हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें DHT सेंसर की लाइब्रेरी यहाँ पे डिफाइन की है #include DHT.s से। उसके बाद जो है जो हमने DHT11 सेंसर की जो आउटपुट पिन है वो आर्डिनो उनो के सेकंड नंबर पे पिन पे अटैच किए हैं, तो यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे डिफाइन किया है हमने DHT पिन का। उसके बाद आपको यहाँ पे इस DHT22 सेंसर को कमेंट करना है और इस DHT11 सेंसर को अनकमेंट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर लिया है अनकमेंट क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं DHT11 सेंसर। उसके बाद जो है ये DHT पिन और DHT टाइप जो है, ये DHT पिन हमने आउटपुट पिन कनेक्ट की है वो है और DHT टाइप मतलब हमारा DHT11 सेंसर जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद वॉइड सेटअप में सीरियल डॉट बिगिन से सीरियल मोनिटर को
इनिशियलाइज किया है और वहाँ पे 9600 बॉर्डर सेट हुई है, सेट किया। उसके बाद सबसे पहले ये DHT एक्सेस मैसेज प्रिंट होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे DHT टेस्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पे वाइड लूप में, वाइड लूप फंक्शन में जो कोड होता है वो हमारा मेन कोड होता है जो हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे 2 सेकंड का डिले है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद ये फ्लोट, यहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर हमें मिल रहा है। ह्यूमिडिटी को यहाँ पे रीड किया हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर को रीड किया हुआ है और इस T और H के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कंपेयर किया है H और T को। अगर रीडिंग ह्यूमिडिटी की होगी तो ह्यूमिडिटी शो करेगी, टेम्परेचर की हमें मिलेगी। ये जो है यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे ये वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब ह्यूमिडिटी की, टेम्परेचर की और हीट इंडेक्स की। तो अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं। ये मैंने अपलोड कर लिया है। उप्स, यहाँ पे हमने आर्डिनो यूनो सिलेक्ट नहीं किया इसलिए वो एरर आ जाता। आप देखिए यहाँ पे आर्डिनो यूनो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, टूल्स में जाके उसके बाद जो पोर्ट है वो हम सिलेक्ट करेंगे जो COM6 है हमारा पोर्ट। अभी हम इसे अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। चलो डन हो गया अपलोड। अभी हम सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे तो हमें जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू शो होगी। आप देख सकते हैं सबसे पहले ह्यूमिडिटी 71% है, टेम्परेचर है 31.80 डिग्री सेल्सियस और हीट इंडेक्स हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों में हमें टेम्परेचर मिल रहा है। आप देख सकते हैं जब मैंने आपको बताया था कि जो DHT11 सेंसर है उसकी एक्यूरेसी 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक होती है, मतलब ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है टेम्परेचर और यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो यहाँ पर वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। थैंक यू।